कुछ दिनों पहले तक भाजपा के सहयोगी रहे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर अब भाजपा के सबसे कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। जिला पंचायत के चुनाव में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और यहां तक के कांग्रेस के उम्मीदवारों को भी उनकी पार्टी समर्थन दे रही है ताकि भाजपा को रोका जा सके। ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी किसी भी तरह विधानसभा चुनावों के साथ साथ पंचायत अध्यक्ष के चुनावों में भी भाजपा को रोकने के लिए किसी भी दल का समर्थन कर सकती है। उन्होंने घोषणा की कि अलग अलग जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों का भी समर्थन कर रही है। भाजपा के पूर्व सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि भाजपा को उत्तर प्रदेश की सत्ता से हटाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि उनका भागीदारी संकल्प मोर्चा पंचायत अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव में केवल उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ेगा जिन पर उनके उम्मीदवार जीत की स्थिति में होंगे। साथ ही उन जिलों में जहां उनकी पार्टी जीतने की स्थिति में नहीं है वहां विपक्ष के तमाम दलों को अपना समर्थन देगी। भाजपा को शिकस्त देने के लिए सपा, बसपा और कांग्रेस के मजबूत उम्मीदवारों का समर्थन उनकी पार्टी खुले तौर से करेगी। मीडिया द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या यह रुख आगामी विधानसभा चुनाव में भी रहेगा, राजभर ने कहा कि मोर्चा सरकार बनाने के लिए विधानसभा चुनाव लड़ेगा। विधानसभा चुनाव के लिए सपा, बसपा और कांग्रेस के साथ गठबंधन का विकल्प अभी भी खुला हुआ है। योगी सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की विदाई का समय अब आ चुका है। महंगाई व अन्य मसलों से जनता का ध्यान हटाने के लिए भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वंद्व की झूठी खबरें फैला रही है ताकि जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से भटक जाए और लोग भाजपा के अंतर्द्वंद की चर्चाओं में उलझे रहें। उन्होंने दावा किया कि अगर उनकी पार्टी या मोर्चा सत्ता में आते हैं तो उत्तर प्रदेश में फ्री बिजली के साथ साथ निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भी कराई जाएगी।